फौजी तर्जुमान के बयान से इमरान खान की किस्मत पर बड़ा सवालिया निशान लग गया। जुमेरात को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीजी आईएसपीआर ने इस सवाल का बराह रास्त जवाब देने से गुरेज किया कि क्या आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए इमरान खान को फौजी हुकाम के हवाले किया जाएगा या नहीं। उन्होंने इस इम्कान की तस्दीक की न तरदीद। ये सवाल जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी और कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के तनाजुर में पूछा गया था। पीटीआई के रहनुमाओं को खदशा था कि इमरान खान को फौजी तहवील में दिया जा सकता है और मुमकिन तौर पर उन पर आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालत में केस चलाया जा सकता है। डीजी आईएसपीआर ने अपने जवान पे कहा कि पूछा जाने वाला सवाल फर्जी है और इस मामले से मुतालिक है जो जेर समात है। ताहम उन्होंने इस बात पर भी रोशनी डाली कि फौजी कानून के तहत अगर कोई फर्द आर्मी एक्ट के ताबे किसी को जात सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करता है तो इस जमन में कोई सबूत मौजूद है तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। जो भी शख्स इस केस में मुलव्वस होगा वो कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं रहेगा, चाहे उसका कोई भी ओहदा हो, चाहे उसकी कोई भी हैसियत हो।